चावल का लड्डू बनाने जा रहे हैं, आपको विधि बताएंगे। चावल को भूज के मैंने पिसवा लिया है, नहीं पूरा नहीं हो गया, भूज के पिसवाया हुआ है। और कढ़ाई में आधा कप दूध डालेंगे, आटा के हिसाब से, चौरट के हिसाब से हम इसमें चीनी डालेंगे। जैसे कि आधा किलो चावल का आटा है तो हम लगभग 250 स्टेप से नाप के डालेंगे। आधा कप दूध, 250 चीनी। चावल का आटा पहले से ही चावल को भूंज के हम लोग पिसवा लिए थे इसको, अब इसका चाशनी बना रहे हैं। जितना चीनी या दूध डाले हैं उसमें इलायची डाल दी है, इसका एक तरह का चाशनी बना लेंगे। चाशनी बन के रेडी हो गया एक तरह का, इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब इसको इसमें मिक्स कर देंगे, ऐसे इसको मिक्स कर देंगे, गोल गोल लड्डू की तरह ऐसे बना लेंगे। सबको ऐसे ही गोल गोल बना लेंगे, ऐसे सबको हम गोल गोल बनाते हैं लड्डू की तरह। देखिए चावल का आटा का लड्डू बनके तैयार है। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बना के टेस्ट कीजिएगा कैसे बनता है। आप भी बना के टेस्ट कीजिएगा कैसे लगता है खाने में। और ये बन के अब रेडी है सब ऐसे को। इसमें ड्राई फ्रूट आप जितना मन का अच्छा से डालिएगा, हम तो सिर्फ किशमिश डालें। आप और ड्राई फ्रूट में काजू बादाम उदाम सब डाल सकती हैं आप, अच्छा लगता है खाने में ड्राई फ्रूट रहता है तो।